हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे धान है, अभी धान का किराया हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप धान पंजीकरण के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर धान पंजीकरण को लेकर जो हमारा लास्ट टाइम गेहूँ का पंजीकरण हुआ था उससे काफ़ी चेंजेस आए। इस बार हमारा आधार में मोबाइल नंबर होना कंपलसरी है लिंक, और साथ ही यहाँ पर इस बार हमारा अकाउंट नंबर नहीं लिया जा रहा है, तो हमारा जो पेमेंट है वो हमारे आधार बेस्ड अकाउंट में किया जाएगा। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धान खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के लिए ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, किसान पंजीकरण हेतु मैनुअल। तो इस पर क्लिक करके आप मैनुअल देख सकते हैं क्या क्या प्रोसीजर रहेगा किसान पंजीकरण के लिए। दूसरा, यहाँ पर आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए धान पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, ऊपर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये चल रहा है, किसान बंधु धान किराए हेतु अपने मोबाइल नंबर वह बैंक खाते को आधार से लिंक अवश्य करा लें। यानी फ्रेंड्स, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके आधार और आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना कंपलसरी है। अगर आपका आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो आप यहाँ पर धान पंजीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो OTP है वो उसी नंबर पर भेजा जा रहा है जिस नंबर पर आपका आधार लिंक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक कर लेना आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। इसके लिए आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, वेरीफाई आधार वाली। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, देन यहाँ कैप्चा को फिल करके प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका आधार में लिंक मोबाइल नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट आपको दिखाई दे जाएंगे, तो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं आपका कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक है, वो मोबाइल नंबर आप रेडी रखें। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अगेन इसी पोर्टल पर वापस आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नवीन पंजीकरण, यहाँ पर आपको 7 स्टेप मिल जाएंगे। पहले में आपको पंजीकरण करना है, दूसरे में यहाँ पर आपका पंजीकरण में कुछ संशोधन करना होता है तो वो संशोधन कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में यहाँ पर आप ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको पंजीकरण लॉक करना होगा, देन उसका फाइनल प्रिंट निकालना होगा। और यहाँ पर ये 2 स्टेप आपके पंजीकरण के बाद के होते हैं, जिसमें आप अपने भुगतान हेतु बैंक की स्थिति जान सकते हैं, और लॉक करने के उपरांत तो उसका टोकन भी बना सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो टोकन आपको सेंटर पे भी मिल जाता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। देन यहाँ आपको नीचे आना है एंड आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको किसान का नाम डालना है, जो भी किसान का नाम होता है आधार कार्ड में सेम आपको वैसा ही नाम यहाँ पर फिल कर देना है। नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। देन उसके बाद आपको वो जिला सेलेक्ट करना है जिस जिले में किसान की भूमि है। अगर किसान कहीं और जिले में रहता है, किसी और जिले में उसकी भूमि है, तो आपको उस जिले को सिलेक्ट करना है जिस जगह पर किसान की जमीन होती है। देन उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा को फिल करना है एंड यहाँ कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड यहाँ OTP प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। OTP प्राप्त करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP भेज दी जाएगी। वो OTP सिंपली यहाँ पर आपको दर्ज करना है, सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अपने OTP वेरीफाई करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक पंजीकरण संख्या भी मिल जाएगी जिसे आपको नोट करके रख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको किसान का जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। किसान का यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है। देन यहाँ पर किसान की श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है, SC OBC ST जो भी कास्ट होती है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस फ्रेंड्स यहाँ पर किसान का डालना है, जो भी उसके आधार में होता है उस हिसाब से आप यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, धान बेचने हेतु परिवार के एक नामित सगे सदस्य का विवरण। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसान की जगह कोई अन्य पर्सन जो परिवार का है वो धान बेचने जाए तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। देन उसके बाद उस सदस्य की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे देनी है, और साथ ही यहाँ पर आप किसान से उसका संबंध चुन लेना है। आप जैसे यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर रिश्ते भी ओपन होकर आ जाएंगे। फीमेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्नी, पुत्र, वधु, पुत्री, माता या फिर सगी बहन हो सकती है। भाई अगर आप मेल में देखेंगे तो यहाँ पर दामाद, पुत्र, पिता, पति और सगा भाई हो सकता है। तो आप इनमें से किसी एक का विवरण दे सकते हैं अगर किसान खुद जाता है धान बेचने। अगर किसी को नामित नहीं करना चाहता है तो यहाँ नहीं पर क्लिक रहने देंगे।
देन उसके बाद यहाँ पर जो किसान की भूमि का विवरण देना होगा, तो सबसे पहले आपको इस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट में किसान की भूमि होती है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको परगना सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी परगना जो आप अपना भूलेख निकालेंगे, भूलेख से जो आप अपनी खतौनी निकालेंगे, उस खतौनी में आपका जो परगना है वो मेंशन होगा, तो उस हिसाब से आपको परगना भी सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर किसान की भूमि जिस भी गांव में होती है वो गांव यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको खतौनी का खाता संख्या डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका खाता संख्या है वो चेंज हो सकता है, जो आपने पिछली बार डाला है, तो आप लेटेस्ट अपनी खतौनी निकालेंगे उसके बाद ही यहाँ पर खाता संख्या को मेंशन करेंगे। खाता संख्या यहाँ पर आपका 5 डिजिट का होता है, तो 5 डिजिट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, फिल कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ आपको नाम खोजे पर क्लिक कर देना है। नाम खोजे पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही उस खाते में जितने भी किसान होंगे वो उन सारे लोगों के नाम यहाँ पर ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी किसान का आप पंजीकरण कर रहे हैं उस किसान का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको भूमि का विवरण जोड़े पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही भूमि का विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर जो आपकी जितनी डाटा संख्या होती है उस अकाउंट में वो सारी ओपन होकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप कुल रकबा देख सकते हैं, तो उस रकबे में से आपको किसान की हिस्सेदारी डालनी है। तो किसान की हिस्सेदारी कुल रकबे में जितनी भी होती है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन और मिल जाएंगे, भूमि में बोए गए गन्ने का रकबा और यहाँ पर भूमि में अन्य फसल का रकबा और हिस्सेदारी की भूमि में बोए गए धान का रकबा। तो यहाँ पर आपके जितने भी टोटल ज़मीन है जितनी किसान के, उतने में से जितने में भी धान बोए गए हैं वो ज़मीन यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पूरे में धान ही है तो आपको धान ही फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करे पर आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर आपको किसान की भूमि का जो विवरण है सफलतापूर्वक जोड़ दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो भूमि है उस पर यहाँ पर जो धान है वो 5.5 क्विंटल बेचे जा सकते हैं। उसी हिसाब से फ्रेंड्स आपको दोबारा से परगना सिलेक्ट करना है। अगर किसान की भूमि का और विवरण जोड़ना है, जैसे किसी किसान के एक से ज़्यादा खेत होते हैं, तो दोबारा से यहाँ पर आपको परगना सिलेक्ट करना है, गांव सिलेक्ट करना है एंड 5 डिजिट का यहाँ पर आपको खाता संख्या डालना है एंड दूसरी भूमि का सेम इसी तरह से विवरण जोड़ देना है। तो वन बाई वन जितनी भी भूमि होती है उन सबका विवरण आप जोड़ते चले जाएंगे। देन उसके बाद जब आपकी सारी भूमि का विवरण जुड़ जाएगा तो यहाँ नीचे आपको कैप्चा फिल करना है एंड यहाँ आपको संशोधित करे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित किया गया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ड्राफ्ट प्रिंट है वो ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान की सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी, जो आपने पर्सनल डिटेल्स भी फिल की थी और जो यहाँ पर आपने भूमि की डिटेल्स फिल की थी। तो सारी चीज़ों को एक बार आपको ध्यान से चेक कर लेना। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक होती है तो सिंपली यहाँ पर आपको आना है 4th वाले स्टेप पर, पंजीकरण लॉक। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, पंजीकरण संख्या और आधार संख्या। तो जो भी आपके पास होती है, जैसे हमें पंजीकरण संख्या स्टार्टिंग में ही मिल गई थी, मैंने आपको बताया था, इसे आप नोट कर लेना। अगर आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं होती तो सिंपली आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ किसान का आधार नंबर फिल करेंगे जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था। देन उसके बाद यहाँ कैप्चा को फिल करेंगे एंड यहाँ आपको कॉन्सेंट देना है एंड आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर आप जैसे क्लिक करेंगे अगेन आपकी सारी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ आपको लॉक करे पर क्लिक कर देना है। लॉक करे पर क्लिक करने से पहले आपको घोषणा को टिक करना होगा। देन उसके बाद यहाँ आपको लॉक करे पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है उस पर अगेन एक OTP भेज दिया जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। वेरीफाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर जो आपका पंजीकरण है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा, साथ ही यहाँ पर आपका प्रिंट ओपन होकर आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसे प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप इस पूरे प्रिंट प्रीव्यू का एक प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो प्रिंट है वो 2 पेज में आएगा। अगर आपकी भूमि का विवरण ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पेज का भी आपका प्रिंट निकल सकता है। तो यही प्रिंट लेकर किसान को जो उसके धान होते हैं उसे लेकर जाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार की स्थिति, हमारी आधार सीडिंग की स्थिति हमारी यहाँ पर सत्यापित हो चुकी है। भाई हमारी जो भूमि का सत्यापन है वो अभी लंबित है, तो आप इसे 24 आवर में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका यह भी सत्यापन हो जाएगा। अगर सत्यापन नहीं होता तो आपको तहसील जाकर इसे सत्यापन कराना होता है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमसे यहाँ पर कोई बैंक डिटेल्स नहीं ली गई, क्योंकि जो हमारा पेमेंट किया जाएगा वो हमारे आधार बेस्ड अकाउंट में पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको भुगतान है तो बैंक की स्थिति जानने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ आपको आधार नंबर टिक कर लेना है एंड यहाँ आपको आधार नंबर फिल करना होगा।
एंड आपको कंसेंट देना है एंड आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। हमारी पंजीकरण संख्या ओपन होकर आ गई, यहाँ पर आ गया प्रिय किसान बंधु आपके आधार का सत्यापन लंबित है, कृपया प्रतीक्षा करें। तो यहाँ पर जो हमारा आधार का सत्यापन है अभी लंबित है, तो लगभग 24 घंटे में जो हमारा आधार है वो सत्यापन हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा यहाँ पर अकाउंट नंबर भी शो होने लगेगा जिसमें हमारा पेमेंट किया जाएगा। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में देख भी सकते हैं, प्रिय किसान बंधु यदि किसान पंजीकरण में आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो बैंक खाते को आधार से लिंक अवश्य करा लें, अन्यथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खाते में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपके आधार में मोबाइल नंबर कंपलसरी लिंक होना चाहिए और साथ ही आपका जो आधार है वो बैंक में लिंक कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स नहीं ली जा रही है, आपका जो भी पेमेंट किया जाएगा वो आपके आधार बेस्ड अकाउंट में ही किया जाएगा। ऐसे में अगर आपका आधार बैंक से लिंक नहीं होता तो यहाँ पर आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा और आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स यही थी पूरी प्रोसेस, आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको धान पंजीकरण से रिलेटेड और भी कोई क्यूरी होती तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको हमारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।